प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आउं आहियां असद मुमताज। नाज़रीन, पीडीएम जी हुकूमत में नैब तरमीम में कयल सभु कानून जूं तमामु शिकूं जेके आहिनि उहे अॼुकल्ह अदम करार ॾिनियूं वियूं आहिनि। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल जी सरबराही में रुकनी बैच अॼु इहो फ़ैसिलो ॾिनो। 15 जुलाई 2022 ते नैब में के तरमीम कयूं वियूं, उनखे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो वियो ऐं पोइ रुकनी बैच जोड़ी वई हुई। 19 ॿुधणियूं थियूं हुयूं इन हवाले सां ऐं 5 सेप्टेंबर 2023 ते इहो फ़ैसिलो आयो, जेको फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वियो। ऐं उन ॾींहुं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल चयो त आउं रिटायरमेंट थियण खां पहिरियां, ऐं मुंहिंजी रिटायरमेंट खां पहिरियां मां हिकु शॉर्ट ऐं स्वीट ऑडर ॾींदुसि। त अॼु हीउ शॉर्ट ऐं स्वीट ऑडर आयो आहे। प्रोग्राम जे हिन हिसे असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीउ जेको अॼु ऑडर आयो आहे उन जा पाकिस्तानी सियासत ते कहिड़ा असर पवंदा, छाकाणि त अॼोके हिन फ़ैसिले खां पोइ मुल्क जे अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी समेत 6 अॻूणनि वज़ीर आज़मनि जा केस ऐं इंक्वायरीज़ जेके आहिनि उहे बहाल थी वियूं आहिनि। नैब जो इदारो जेको ईअं लॻे पियो त ॼण गैर मुतहरिक थी वियो आहे, अॼु जे फ़ैसिले खां पोइ उहो मुतहरिक थींदे नज़र ईंदो। त हुन जा मुल्क जी सियासत ते कहिड़ा असर थींदा, हिकु त इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल जो अॼु आख़िरी ॾींहुं हुयो ऐं हीउ जेको फ़ैसिलो आहे उहो उन जे केरियर जो आख़िरी फ़ैसिलो। पर उमर अता बंदियाल जे तमामु त टेन्यूअर में बार ऐं बैंच में फ़र्क़ु कहिड़ो रहियो, कहिड़ा कहिड़ा उहे केसिस हुया, कहिड़ा उहे फ़ैसिला हुया जेके कॉन्ट्रोवर्शियल हुया, जेके उनजी ज़ात ते सवाल पिया उथारियनि, उन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं उनजे दौर में कहिड़ा बहितरीन फ़ैसिला थिया उन ते पिणु ॻाल्हाइबो। पर पहिरियां ॻाल्हाईंदासीं इन नैब वारे फ़ैसिले ते। ऐं अॼु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ख़्वाजा नवीद साहबु, पाण जस्टिस रिटायर्ड आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि, कंहिं तरफ़ जा मुहताज न आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो अमानुल्ला करनाणी साहबु, पाण सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻूणो सदर आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तर्जन निगार ऐं कॉलवेस जनाब सलमान आबिद साहबु। ख़्वाजा नवीद साहबु, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मेरा बिल्कुल एक बिल्कुल ही छोटा सा सवाल होगा, और सवाल ये है कि क्या ये फैसला आपको शॉर्ट और स्वीट लगा? सर, ये इतना स्वीट है, आप यकीन करें, इस पे लोग खुशियां मना रहे थे आज बार रूम में और कहने लगे कि जो लोगों का एक्सटेम्पोर तबसरा था जी, वो ये था कि अपना इन्होंने जावेद मियांजाद की तरह अपने आखिरी ओवर में आखिरी बॉल के ऊपर छक्का मार के बाउंड्री पार कर दी है सर, और माशाल्लाह जो पुरानी शिकायतें जितनी थी सारी धो डाली हम। सर, एक मैच तो रात भी था, वो भी आखिरी बॉल पे, उसका भी आखिरी बॉल पे ही फैसला हुआ है सर। एक मैच रात भी था कल श्रीलंका वाला। चले 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 सर, जरा इस पे आ जाते हैं सर, इस फैसले में अब होगा क्या? मियांजाद का पुराना है जी सर। सर श्रीलंका और दिन को उमर अता बंदियाल साहब का था। अच्छा, आजकल फैसले आखिरी बॉल पे ही हो रहे हैं। चले सर, सर जरा आप इस फैसले पे आ जाते हैं कि इस फैसले में अब क्या होगा? जो मैं दो तीन चीजें सर आपसे समझने की कोशिश करूंगा। एक तो तमाम केसेस और तमाम इंक्वायरीज जो हैं वो बहाल हो जाएंगी, लेकिन जो बार्गेनिंग करके फैसले हो चुके हैं, जो केसेस खत्म हो चुके हैं इस टेन्योर में, जो एक डेढ़ साल में हुए, उनका क्या होगा सर? सर अब उसमें बस बेसिक ये है कि जो केस तो मेरिट के ऊपर डिसाइड हुआ है इन अमेंडमेंट से पहले तो वो तो अपनी जगह फैसला कायम रहेगा, जो बरी हो गया वो बरी हो गया, जो सजा खा गया वो सजा भुगत रहा होगा। अच्छा, अब प्ली बार्गेन जो है वो बेसिकली कन्विक्शन होती है, उसमें जो आदमी प्ली बार्गेन करता है सबसे पहले वो प्लीड गिल्टी करता है, और यहां सिंध में तो सारे अफसरों ने ऐसा जबरदस्त काम किया था, प्ली बार्गेन भी की है ऐसे कमर्शियल तरीके पे कि वो जैसे किसी ने खाए हुए 25 करोड़, वो जाके खुद कहता था कि सर मैं 5 करोड़ देने को तैयार हूँ, और जो भी उसके नैब में लोग उस जमाने में बैठे हुए थे वो बड़े खुश हो जाते थे कि हमने 5 करोड़ रिकवर कर लिया, पता चला कि 20 करोड़ उस बंदे के पास ही है। अच्छा, वो करके प्ली बार्गेन करके फिर ना सिर्फ ये कि वो छूट गया, वो वापस आके उसी नौकरी पर दोबारा लग गया जी। पूरे सिंध की जो नौकरियां थी ल्यूक्रेटिव, खासतौर पर रेवेन्यू बोर्ड, उधर सारे प्ली बार्गेन वाले अफसर जो थे वो दोबारा लगे हुए थे, और वो पूरी नौकरियां भी कर रहे थे, तनख्वाहें भी कर रहे थे, और फिर से खेल रहे थे जी, यानी सेकंड ओवर मिल गया उनको जी। तो सर ये 50 करोड़ वाला जो मामला था कि 50 करोड़ से कम, तो नई विकेट और नया बैट, बॉल भी नया मिला जी। तो अब जो अच्छा वो जो 50 करोड़ वाली अमेंडमेंट थी जी, उस अमेंडमेंट के तहत जिस किसी ने भी फायदा लिया है उसमें ये था कि 50 करोड़ से जो छोटी चोरी है वो नैब के परव्यू में नहीं आती। उन्होंने कहा बड़ी चोरी करो तो नैब में आओगे, जो 50 करोड़ से छोटे वाले चोर हैं उनको उन्होंने कहा कि इनका केस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट
या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में भेज दिया जाए, या जो उनका अपना उनके ऊपर मिसकंडक्ट वगैरह का चार्ज लगा दें, अगर पीनल चार्ज लगता है तो पीनल चला दें, और फेडरल एंटी करप्शन कोर्ट है कराची में जी, और सिंध एंटी करप्शन कोर्ट है, अगर सिंध का एम्प्लॉई है तो इधर डाल दो, अगर फेडरल है, लेकिन अभी तक किसी को डाला नहीं। केस जब वापस गए तो अपने पास ही बंडल रख के बैठ गए, उन्होंने बंडल खोले ही नहीं, कोई केस किसी एंटी करप्शन कोर्ट में नहीं भेजा। वो जैसे केस थे इस्लामाबाद में चल रहे थे, यहाँ का आईकॉन टावर के और वो बड़े बड़े, वो सारे 50 करोड़ के ऊपर छूट गए थे, और फिर जो है वो अब दोबारा इंशाल्लाह रीओपन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, अब मामला ये है कि 6 वज़ीर आज़म ने तो इससे मुस्तफ़ीद हुए थे इस केस से, लेकिन पीटीआई चेयरमैन भी हुए थे। वो नहीं हुआ अपना, शायद खान अब्बासी ने मुझे कहा कि सर मेरा नहीं लगाना ये वाला 50 करोड़ वाला, मेरा उनसे कहो कि आप वो चलने दें, मेरिट के ऊपर मैं जीतूंगा। लेकिन हुआ ये कि जो को एक्यूज थे ना, वो कामरान और उनके साथ जो पीएसओ के जनरल मैनेजर वगैरह थे, सब ने लगा दी थी एप्लीकेशन। जज साहब ने जब उनका केस वापस किया तो शायद खाकान का भी साथ ही वापस हो गया, लेकिन रिकॉर्ड की बात यह है कि शायद खाकान अब्बासी ने दरख्वास्त नहीं लगाई, मैंने भी नहीं लगाई, हम दोनों ने नहीं लगाई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी ने कहा था कि ये तरामीम जो है वो मेरे बस पे नहीं, उसने कहा मेरी दरख्वास्त चले लगाना चले। तो अब तो आपको सर अब तो वो केस भी फिर दोबारा चलेगा ना सर जी? ख्वाजा साहब, अब वो केस भी तो दोबारा चलेगा ना फिर? हाँ, दोबारा चले सर। पीटीआई चेयरमैन दोबारा चलेगा सर? पीटीआई चेयरमैन बेसिकली पैसे इन्वॉल्व नहीं थे जी। ख्वाजा साहब, क्या किया पीटीआई चेयरमैन सर? पीटीआई चेयरमैन ने भी दरख्वास्त दी थी क्योंकि नैब में तरामीम हो चुकी हैं, इसलिए 50 करोड़ से कम मामला है तोशाखाना केस में, एक उसमें रेफरेंस में उन्होंने भी अदालत से कहा था कि मुझे भी इसका फायदा होना चाहिए क्योंकि ये कानून उसका भी दोबारा चलेगा। हाँ जी, उसका भी चलेगा दोबारा। इसमें तो पार्टियों का कुछ चक्कर नहीं, पीटीआई का है। अब वो मकसूद चपरासी का केस भी खुल जाएगा और वो पापड़ वाले का भी खुल जाएगा जी। जी ख्वाजा साहब, आप जरा, जो बेचारे आईओ आईओ मरने थे वो मर गए, चपरासी भी मर गया शायद। अच्छा, आप जरा, चपरासी भी सुना है मर गया जी सर? हाँ जी सर। अच्छा सर ख्वाजा साहब, अब ये बताइए कि ये जो ये तो पीडीएम की हुकूमत ने ये तरामीम की थी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो अब रिव्यू पिटीशन में कौन जाएगा? रिव्यू नहीं होगा, अब डिपेंड करता है। मुझे याद है जब हम जज थे उस जमाने में अब्दुल हमीद डोगर साहब थे और उन्होंने 15-15 और 16-16 जजों के बेंच बना के और फैसले किए थे उस टाइम में मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के इकदाम को अपहोल्ड करने के लिए जी। बाद में जब इफ्तिखार चौधरी साहब आ गए, उन्होंने कहा ये 16 जजों का फैसला, उन्होंने 17 जजों का डिसाइड कर दिया। उसी जमाने में मैंने जंग में कॉलम लिखा था जिसमें दुआ की थी कि या अल्लाह जिस तरह हमारे जजों के अंदर इत्तेहाद है, ऐसा इत्तेहाद कौम में भी पैदा कर दो। 16 के 16 एक ही दस्तखत कर देते हैं, 17 के 17 सेम साइन करते हैं, ये मेरी दुआ थी, अभी तक कबूल नहीं हुई। अच्छा अच्छा ख्वाजा साहब, फिर मेरा सवाल ये होगा कि सवाल ये था कि अब ये फैसला आ चुका है, रिव्यू पिटीशन में कौन कौन जा सकता है सर इस फैसले के खिलाफ? ना सर, रिव्यू की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही ये होता है ना, उसे कहते हैं कि रिविजिट करेंगे इस जजमेंट को, रिव्यू कोई भी फाइल नहीं करेगा, रिव्यू फाइल नहीं होगा, रिव्यू हो भी नहीं सकता कि जिस जज ने ये फाइल जी सर रिविजिट करेंगे, रिविजिट सो मोटो एक्शन के तहत। अच्छा, सो मोटो एक्शन के तहत, तो फिर सर इसे बोलते हैं रिविजिट, उसी जजमेंट को दोबारा रिविजिट करते हैं और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो फिर रिविजिट करेंगे, उसकी ग्राउंड होती हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन वो अब्दुल हमीद डोगर के फैसलों पर तो फौरन हो जाता था रिविजिट। और ये जो है बंदयाल मुश्किल है थोड़ा, तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने LBW कर दिया था। ठीक है ख्वाजा साहब, अब जरा आते हैं इसके सियासी जो इसका साइड है उस पे। मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर यह है कि अब नवाज शरीफ आधे रास्ते से वापस मुड़ जाएंगे। अच्छा, तो वापस चले जाएंगे, टिकट कटाओ लाइन बनाओ चले जाएंगे। हाँ, अब क्यों आएंगे, क्या लेने आएंगे?
अच्छा ख्वाजा साहब आप हमारे साथ ही रहिए, अपना जी 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 सर। सर ख्वाजा साहब मैं दोबारा सर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, अमानुल्लाह कनानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जरा मौकिफ ले लें। अमानुल्लाह साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। थैंक यू सर, मेहरबान। अच्छा अमानुल्लाह साहब ये जो फैसला आया है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन आज चीफ जस्टिस का ये आखिरी फैसला था, मेरा आप मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और हमारे नाजरीन भी आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, इसके तमाम टेन्यूअर में बार और बेंच में फर्क क्या रहा, कैसा ताल्लुक रहा बार और बेंच का? सर देखिए बार और बेंच का ताल्लुक बड़ा एक किस्म का, देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल जी, वो थ्रू आउट जो है वो मोतरज रही है उनके फैसलों पर भी, उनके कंडक्ट पर भी, और बिलखसूस वो अपने बेंच के अंदर भी जस्टिस जो जितने भी हैं खासतौर पर सीनियर पीनियर जज के साथ उनका जो रवैया था वो मुआनदाना था, और उसके अंदर जो है बाकी जो अक्सर सीनियर जजेज हैं उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे, तो सारी सूरत में तो बेंच और बार क्या बल्कि बेंच के अंदर ही पूरा जो है ना दराड़ें थी, और उसके असरात अब आइंदा नजर आएंगे उनके फैसले से कि किस तरह के फैसले दिए गए थे और बेंचेज अभी उनके बारे में क्या फैसले कर रहे हैं, तो पता चलेगा वो बड़े पार्टीजन फैसले थे, बड़े जानबदाराना मुआनदाना फैसले थे, पर्सन स्पेसिफिक फैसले थे, उसके नतीजे में लामाल एक भूंचाल आएगा फैसलों के अंदर, अभी अगले चंद दिनों में महसूस होगा जी सर इस तरह जो है वो जिस तरह खिजा आता है ना जी सर, खिजा की तरह पत्ते झड़ते हैं, इस तरह कई फैसले आपको झड़ते हुए नजर आएंगे, इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का रोल बड़ा अहम होगा और वकला भी उसके अंदर पेश पेश होंगे और यकीनन ये सारी चीजें एक्सपोज होंगी अभी। अच्छा मान लो साहब ये बताइए कि कुछ तो केसेस ऐसे थे जिसपे ना सिर्फ हुकूमत ना सिर्फ सियासी पार्टियां बल्कि बार ने भी काफ़ी मरतबा ये लेटर लिखा था, ये खत लिखा था चीफ जस्टिस को कि इन फैसलों पे कम से कम फुल बैच जो है वो बनाया जाए, आखिर क्या वजह थी कि चीफ जस्टिस ने तमाम तर केसेस तमाम तर अपीलों तमाम तर खतूत के बावजूद भी उन केसेस पे बैच फुल बैच नहीं तश्कील दी? सर वजह साफ जाहिर है क्योंकि जिस तरह जस्टिस सुरभि शाह साहब ने अपने नोट में लिखा और इस तरह की बातें अक्सर जज साहबान ने की, और ये पंजाब के इलेक्शन के हवाले से आपने देखा 9 रुकनी बेंच फिर 7 रुकनी बेंच फिर 5 रुकनी बेंच फिर 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया और 4 रुकनी बेंच के फैसले को उन्होंने नजरअंदाज किया जी। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई जज फैसला लिखे, जब पता चल जाता है जज साहब ने उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला लिखना है लिखा है तो उसको बेंच से निकाल देते थे, ये सारी चीजों के होते हुए यही वजह थी कि वो अपनी मर्जी से बेंचेस बनाते थे, अपनी मर्जी से फैसले लेने की कोशिश करते थे, इसलिए जो है वो अपना बेंचेस सही तरीके से नहीं बना पाए। अच्छा अच्छा भला अमानुल्लाह साहब आप कुछ हमें बता सकते हैं कि आपकी नज़र में वो कौन से केसेस थे जो आप समझते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल केसेस हैं, इसको इस तरह से फैसला नहीं आना चाहिए था जो चीफ जस्टिस साहब ने? जी आपकी नज़र में चीफ जस्टिस के टेन्यूअर में कौन कौन से कंट्रोवर्शियल सर फैसले आए? सर दोबारा दोहराएं, मैं जरा सुन नहीं सका आपको। सर मैं उन केसेस की बात कर रहा हूं जो आप समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस के तमाम तर टेन्यूअर में ये जो फैसले आए हैं इन केसेस पे जो चीफ जस्टिस का फैसला आया है वो कंट्रोवर्शियल है और उसको आगे चल के और चैलेंज करना पड़ेगा शायद। सबसे पहले तो रेफरेंस का जो जवाब दिया सदर को आर्टिकल 63A के तहत जी, जो चीज आइन में नहीं था उन्होंने री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है और आइन के मुनाफी जो है ऐसा फैसला लिखा है कि वोट जो है एमपी एमएनए दे सकेगा मगर काउंट नहीं होगा जी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है उसमें, ये तो है कि वोट देगा पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, बस इतना आइन में लिखा है, उन्होंने आगे लिखा है कि इसके अंदर जो है वो काउंट नहीं होगा, तो काउंट न करना जो है ये आइन से मुहावरा है, री राइटिंग ऑफ जजमेंट है जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी उसको रेफर किया जी। दूसरा फैसला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हमने आपने जो है इमरान खान साहब ने दाखिल नहीं होना इस्लामाबाद के रेड जोन में, और जबकि वहां दाखिल भी हुए आकर जो है उन्होंने तोड़फोड़ भी की और ग्रीन बेल्ट को भी जलाया और उसके लिए उन्होंने कोई कंटेम कार्रवाई नहीं की जबकि वो दरख्वास्तें पेंडिंग रही आखिर तक। फिर जो है गुड टू सी यू का वाक्य आया 9 मई का वाक्य हुआ और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और एक और केस में, मगर उनको जिस इज्जत एहतराम के साथ रुख्सत किया गया सुप्रीम कोर्ट से ये भी अनयूजुअल था, कभी किसी केस में नहीं हुआ कोई केस मात्र अदालत में पेंडिंग हो और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट
जुरिस्डिक्शन अज्यूम करे और उसके बाद किसी के साथ भी कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करके रिलीफ दे, ये तो अनयूजुअल था। फिर जो है इस पंजाब असेंबली के 22 मेंबरान का केस था जिनको डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमीशन ने किया, मगर उसके बावजूद उनकी अपीलों को नहीं सुना गया, उस वक्त तक नहीं सुना गया जब तक वो इंफ्रक्चुस नहीं हुए और वहां पर दोबारा इलेक्शन नहीं हुए। तो ये वो तजादात हैं जो आने। फिर ये दूसरा जो उनका इशू आया सास का, उन्होंने साख की बजाय सास की बात मानी और उस अपना ऑडियो लीक केस में वो खुद उसका नाम आया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का नाम आया, इन दोनों ने बैठकर वो फैसला किया। जिस फैसले में उनके जात के, मैं तो नहीं कहता मुफाद की वाबस्ता हो, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने नजर आ रहा था। इसमें एक प्रिंसिपल है नो वन बी जज ऑफ इज ओन काज, तो वो नो वन बी जज ऑफ इनको ओन काज की प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी की उन्होंने, उस केस को सुना और उसके अंदर उनको रिलीफ दी और सस्पेंड कर दिया और उस इदारे के सरबराह का जो आज चीफ जस्टिस बनने जा रहा है जी। उसके सरबराही को भी उन्होंने कबूल नहीं किया जबकि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ इंक्वायरी होना था कि भाई वाकई लीक सही भी है नहीं है या किसी को बदनाम किया जा रहा है, जज के इसमें कोई मसला हो, तो ये तो अच्छी बात थी, मगर उन्होंने शफाफ और ट्रांसपेरेंट जो इंक्वायरी है उसको भी रोक दिया। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह की चीजें। फिर उन्होंने जो पार्लियामेंट के मामला में जो मुदाखलत की, जो कानून साजी हुई, कानून साजी के अंदर जो है उन्होंने मुदाखल के पार्लियामेंट के सुपरमेसी को चैलेंज किया और उसके नतीजे में मुल्क में खलफशार पैदा करने की कोशिश की जी। इन तमाम फैसलों के साथ जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बहुत बेहतरीन बिल और एक्ट बना। फिर अपील का जो राइट ऑफ अपील है आर्टिकल 184(3) के तहत उसको उन्होंने कर्टेल किया, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 10(a) के तहत, और उसको भी उन्होंने कटछाट कर दिया और अपनी मनमानी को जो है उन्होंने परवान चढ़ाया। ये सारे फैसले ऐसे हैं। अच्छा मौलाना साहब, अब क्योंकि फैज ईसा साहब का टेन्योर आने वाला है, एक दिन के बाद फैज ईसा साहब का टेन्योर शुरू होगा, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा बतौर चीफ जस्टिस? आप क्या समझते हैं कि कौन से चैलेंजेस हैं जो फैज ईसा को एड्रेस करने चाहिए? देखिए जी, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो है बड़े अपराइट और बड़े, यानी उसका कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ मुल्क का सोचते हैं, आइन का सोचते हैं, कानून का सोचते हैं, तो इसलिए उसके लिए कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है। वो आइन कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, उसके नतीजे में खुद ब खुद चीजें जो है आसान होती जाएंगी, आवाम के अंदर तब्दीली इंशाल्लाह नजर आएगी। वो कभी परेशान होने वाले नहीं है, ना उनका कोई जाती मसला कोई उलझा हुआ है, ना उसकी सास का मसला है, ना उसके बच्चों का मसला है, ना उसकी पोलिटिकल पार्टी से कोई एम्बिशन है, ना उसका कोई ताल्लुक है, ना किसी से हमदर्दी है। उनकी हमदर्दी आइन कानून और पाकिस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया, लेकिन इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह करनाल साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे जो बार और बैच में फ़र्क रहा है उमरता बंदियाल के टेन्यूअर में, उसमें आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। प्रोग्राम अगते वो पे आया सलमान आबिर साहब असंग ज्वाइन किया। सलमान साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब कैसे देख रहे हैं आज का फैसला, सियासी मंजरनामे में किस हद तक हिट करेगा? क्या 21 अक्टूबर का जो इवेंट होने जा रहा है उसका शेड्यूल भी ऊपर नीचे हो सकता है आज के फैसले से? सर बात तो यह है कि ये फैसला गैर मुतवक्क नहीं था और सबको मालूम था कि जब भी इसका फैसला आएगा जी तो ये नैब में की गई तरामीम जो है ये कालेजमी होंगी। उसकी एक वजह है और वजह ये है कि जब आपके कानून पर्सन स्पेसिफिक हो जाएं और पार्टी स्पेसिफिक हो जाएं, एक मखसूस ग्रुप जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून का, आईन का, पार्लियामेंट का इसको इस्तेमाल करता है, तो उसके साथ यही कुछ होना चाहिए। ये सबको पता है जिस वक्त FATF होना था जी, तो आपको याद है उस वक्त भी आज जो शहबाज शरीफ हुकूमत है, जो PDM की पीपल्स पार्टी थी, उस वक्त भी उन्होंने शर्त रखी थी कि आप नैब में तरामीम कर दे तो हम FATF की हिमायत करते हैं जी। लेकिन इमरान खान की उस वक्त की हुकूमत ने जाके ज्वाइंट सेशन से वो पास करवा लिया था। उसके बाद जब ये PDM की हुकूमत आई तो बकौल नवाज शरीफ साहब इंतखाबात चाहते थे जी। लेकिन पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ चाहते थे कि पहले हम नैब में किससे जुड़े हुए जो मामला थे उनको हल कर लें, फिर वो मामला हल भी हो गए थे। तो इसलिए उस ये जो जितनी भी नैब की तरामीम हुई थी इसका कोई पाकिस्तान से या पाकिस्तान के रियासी मफाद से या आम आदमी से तो कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो मखसूस लोगों को बचाने का काम था। एक बात जी, दूसरी बात है ये भी बात बिल्कुल वजह है कि नैब जो है उसकी आज तक कोई कारकर्दगी हमारे सामने तो आ नहीं सकी। हमने नैब को बतौर सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो जायज मुकदमे भी थे, वो नाजायज मुकदमे भी बने, उनकी वफादारियां भी तब्दील की गई, वो भी हमारे सामने जी। अब जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ है
तो यकीनी तौर पर धचका तो लगा है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को कि जितनी मेहनत के साथ रिजीम चेंज के बाद उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया था जी, वो वापस दोबारा उसी पोजीशन पे आ गए जहां पहले खड़े थे जी। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि इस तरमीम के बाद नए जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं फाइज ईसा साहब, उसको अगर रिव्यू में जाना है या वो जो अभी उन्होंने प्रोसीजर एक्ट की तरफ 18 तारीख को उसकी प्रोसीडिंग है जी, उसमें क्या फैसला करते हैं, बेंच क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। ठीक, तो अभी ये कहना कि गेम जो है ना वो मुकम्मल तौर पे आउट हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। मेरे नजदीक गेम अभी भी ऑन है। ओके, आने वाले दिनों में जुडिशरी जो है वो जिस तरह से बिहेव करेगी उससे अंदाजा हो सकेगा जी। और लेकिन एक बात ये भी नजर आ रही है कि इस वक्त मामलात जो है वो सियासतदानों के हाथों से बहुत हद तक निकल गए हैं। ओके, और उसमें कोई भी सियासी जमात हो तो वो इस वक्त मामलात हाथ से निकलते हुए जा रहे हैं। और खुद इमरान खान भी जो है जिनके ऊपर अलकादरी ट्रस्ट का पर्चा है यानी मुकदमा है नैब के हवाले से, तो वो भी नैब की कस्टडी में आ सकते हैं और वो भी उनके साथ भी वही सलूक हो सकता है जो बाकियों के साथ हुआ है। और अब इस सारे वहाम में जो एक नया वहाम पैदा हुआ है, क्या इलेक्शन भी वक्त पे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, तो मैंने जैसे कहा कि सूरत हाल पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों के हक में नजर नहीं आ रही। सलमान अभी साहब आप हमारे साथ ही रहिए, ख्वाजा नवीद साहब भी हमारे साथ हैं, ख्वाजा नवीद साहब से बालू करते हैं। ख्वाजा नवीद साहब, अब हमने आज का जो फैसला आया उसका जो सियासी मंजरनामा था उसको, सलमान आबिद साहब का जो नुक्ते नज़र था वो भी आपने सुना, उससे पहले अमानुल्लाह कन्नानी साहब का जो बार और बैच के हवाले से नुक्ते नज़र था वो भी आपने सुना। आपको बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो सर ये टेन्योर रहा, आपको आपने इस टेन्योर को कैसे देखा, उनको कौन से फैसले आपको लगे कि ये यहाँ पर मामला कॉन्ट्रोवर्शियल पे गया, यहाँ पर उमर अता बंदियाल की तारीफ हुई कि ये फैसला अवामी बुनियादों पर अच्छा फैसला है? शुरू जो उनको कंट्रोवर्शियल बनाना शुरू किया गया वो उन्होंने जो इलेक्शन की तारीख दी उससे जो है, ये जब पीडीएम की हुकूमत थी उसने इन्हराफ किया और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया बल्कि मामले को पार्लियामेंट में लेके चले गए। और उल्टा ये है कि वो कार्टून आते थे अखबारों में कि चोर बैठकर फैसला कर रहे हैं कि जज को सजा क्या दें जी। तो इस तरह के कानून पास होने शुरू हो गए, टेलर मेड कानून, यानी पर्सन स्पेसिफिक कि किस केस में कौन सा कानून बनाऊं तो ये बंदा छूट जाएगा जी। क्यों कौन सी शिक डालूं तो ये बंदा छूट जाएगा। तो वो उसी तरह की शिकें डाली गई, उसी तरह के कानून बनाए गए ताकि अपने सारे बंदे मकसूद चपरासी वाले भी निकल जाएं, दूसरे भी निकल जाएं, पापड़ वाले भी निकल जाएं, सारे जब निकल गए उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ठीक है अब इलेक्शन करा लो, उसकी भी अभी डेट नहीं आई। तो आपको लगता है कि एक तो ये मामला था, दूसरा कोई और फैसला सर? तो बेसिकली यहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई क्योंकि जब उन्होंने डेट दी और उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद कराने की कोशिश की कि उस मामले को पार्लियामेंट में लेकर चले गए, इन्होंने जजों की कटेल करने की पावर बातें शुरू कर दी और फिर इन्होंने वो किया कि सात का जज बेंच पांच का रह गया, फिर पांच का चार रह गया, फिर अंदर ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाता था, फिर उधर से मुतालबे आने शुरू हो गए कि फुल कोर्ट रेफरेंस बनाया जाए और उस पे भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। बारह उमर साहब बंदियाल साहब ने वो अपने डटे रहे और उन्होंने अपना बेंच कायम रखा, किसी चीज से डरे नहीं और जो उनके दिल में आया वो फैसला करके गए कानून के मुताबिक। अब वो कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, जाहिर है जब फैसला होता है तो किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता, फैसला तो अब आ गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस पर अमल दरामद करना हर अदारे का काम है। ठीक है सलमान अभी साहब, जी सर सलमान अभी साहब, अब जो ख्वाजा नवीद साहब भी बात कर रहे हैं, इससे पहले अमानुल्लाह साहब ने भी बात की, वो था कि पंजाब और केपीके में जो इलेक्शन की डेट देनी थी उससे पहले भी मामलात ख़राब हुए, लेकिन उससे पहले जब पंजाब में सीएम की इलेक्शन हुई थी उससे भी मामलात ख़राब हुए, लेकिन आखिर क्या बात है कि चीफ जस्टिस ने कई इस हवाले से अपना इश्यूज भी जारी किए, सो मोटो भी लिए लेकिन तारीख ना दे पाए, आखिर वजह क्या थी सर? आपको क्या लगता है कि कोई सियासी अनस्टेबिलिटी की मामला था, उस वक्त की हुकूमत का मामला था, आखिर क्या था कि चीफ जस्टिस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद केपीके और पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस ना हो सकी? नहीं, इलेक्शन की डेट तो दो दफा अनाउंस हुई ना, एक 30 अप्रैल को अनाउंस हुई, फिर उसके बाद 14 मई को अनाउंस हुई। सर उस पे अमल की बात, अमल नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट का काम तो अमल कराना नहीं होता,
सुप्रीम कोर्ट का तो एक एग्जेक्टिव उन्होंने ऑर्डर करना होता है, अब वो ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसने कराना था? इलेक्शन कमीशन ने कराना था, उस वक्त की हुकूमत ने कराना था, तो दोनों ने इंकार कर दिया, उन्होंने डेट मानने से इंकार कर दिया। तो बुनियादी तौर पे तो अब वो ये था कि जो चीफ जस्टिस को चाहिए था कि जब उनका फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ जी, तो फिर उनको कोई एक्शन तो लेना चाहिए था ना सूरी तौर पे, और जो जो लोग उसमें जो लोगों ने उस पर अमल दरामद नहीं किया उनको फिक्स करना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, निगरान हुकूमत होती, किसी ना किसी को तो फिक्स करते। वहां उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई और उस कमजोरी का नतीजा ये मिला कि निकल रहा है कि अब आम इंतखाबात के बारे में भी वहां पैदा हो गया है कि वो भी होंगे या नहीं होंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत से फैसले तो किए, लेकिन कई फैसलों के अंदर हमने देखा कि वो जिन लोगों के ऊपर उनको तो लगानी चाहिए थी, फिक्स करना चाहिए था, वो नहीं किया। अभी भी पिछले जो उन्होंने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया मौलाना फजल रहमान की रैली के हवाले से, वो जो हुकूमती उन्होंने अपील को मुस्तरद किया, लेकिन किसी को फिक्स तो नहीं किया ना। फिर 63A का फैसला जब उन्होंने दिया था उसके ऊपर भी पर्दा पड़ गया। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, जो ख्वाजा साहब से आपने बात पूछी है, देखिए मामला सिर्फ अदालतों का नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस अपने फैसले पार्लियामेंट में करने में क्यों नाकाम हुई है? क्यों हर ग्रुप जो है वो चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वो अपने मसले उठा के अदालतों में ले जाता है और अपने सियासी मामला जो सियासी फोरम पे हल होने चाहिए थे उनको अदालत में लेके जाते हैं, फिर अदालत में सियासत करते हैं, फिर फैसला आपके हक में आता है तो जिंदाबाद, फैसला आपके खिलाफ आता है तो फिर आप उनको बेंच फिक्सिंग के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तो देखिए ये डायलेमा जो है, जो ये सिर्फ हमने जुडिशरी में नहीं देखा, हमारा ये पॉलिटिकल क्लास का भी फेलियर है, हुकूमत और अपोजिशन का, जो सियासी फोरम पर फैसले नहीं कर सके और जब वो मामलात कोर्ट में लेके गए तो फिर वो सियासी भी हो गए और मुतनाजा भी बन गए। ठीक है, अच्छा ख्वाजा नवीद साहब, अब क्योंकि उमर अता बंदियाल का टेन्योर पूरा होने वाला है, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब नए आ रहे हैं उनकी भी हुकूमतों के साथ जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनकी भी हुकूमतों के साथ बनती नहीं है। 2007 में उन्होंने जो बलूचिस्तान में जो रिपोर्ट जारी की थी उस वक्त की पीपल्स पार्टी हुकूमत उनसे नाराज़ हो गई, और फिर आपने देखा कि फैज़ाबाद धरना और उससे पहले जो कुछ और मामला हुए, तो कैसे लग रहा है आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फायज ईसा साहब का, और अब जो एबत और चीफ जस्टिस और फिर केयर टेकर हुकूमत है और उसके बाद नई आने वाली हुकूमत, तो ये मामलात आपको बंदियाल की टेन्योर के जैसे ही नजर आ रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि नहीं फायज ईसा के टेन्योर में कुछ मामलात बेहतर भी होंगे? क्योंकि फायज ईसा साहब बड़े मजबूत आदमी है और ये जो फैसले हुए हैं जितने भी ना, वो किसी फर्ज के फैसले नहीं है, ना कोई उमर अता बंदियाल साहब के जाती फैसले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। और फायज ईसा साहब अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को बहाल करना इनकी प्राइमरी जिम्मेदारी होगी, और मुझे लगता है कि वो फौरी तौर पे उन तमाम फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे या फिर रिविजिट करके उनको सेट असाइड करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन वो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को बीच में चौराहे में लटकने नहीं देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो अमल दरामद होना ही होना है, और अगर वो नहीं होना तो फिर वो सेट असाइड होना चाहिए। बाकी ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ किताबों में लिखा रहे और ना हुकूमत, ना एस्टेब्लिशमेंट और ना कोई सियासी हुकूमत उस पर अमल दरामद करे। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से आज़ाद समझ रहा है। ये सारी बातें फायज ईसा साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाकी जो आगे जी सर, फायज ईसा साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि जो बेंच में बहरान हमें नज़र आया, जो बेंच अलग अलग हमें नज़र आया अता बंदियाल के दौर में, वो होगा केसेस जो पेंडिंग में पड़े हैं वो होगा, या खुद जो सुप्रीम जो कोर्ट अपनी अफादियत खो चुकी है उसको बहाल करना होगा? उसी को बहाल करना सर, ये असूल पसंद आदमी है और सख्त आदमी है, किसी से डरते नहीं है, लिहाजा इनके पुराने फैसले देख ले, उन्होंने बिला खौफ फैसले किए हैं और किसी मसले का शिकार नहीं होते, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला इज अपराइट मैन, वो जो करेंगे फैसले दुरुस्त होंगे, तस्लीम करेंगे और लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है सलमान आबिद साहब, अब जो आज का जो फैसला है यकीनन इसका इलेक्शन पे भी असर होगा, आज के फैसले से हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग तो नाराज होते हुए नजर आ रही है, भला पीटीआई को आज के फैसले से कुछ फायदा होगा सर?
नहीं, फायदा तो शायद देखिए मैंने जैसे कहा कि सारी सियासी कुव्वतें कमजोर हुई है, मजबूत नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई का अभी जो मामला जो बराह रास्त है वो तो इमरान खान का है ना जी, उनके ऊपर अलकादरिया का ट्रस्ट का जो मुकदमा है शायद वो नैब के पास जाएगा, तो मुमकिन है कि उनको भी जरा थोड़ा सा अताप का निशाना बनाया जा सकता है, वो बन सकता है। लेकिन जनरली मुझे जाती तौर पर लगता है कि धचका जो है वो बहुत बड़ा तो वो जो पीपल्स पार्टी में उनको लगा है, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपनी आबरू जो है बेआबरू की है, और वो बाकायदा उन्होंने नैब की तरामीम के ऊपर समझौते करके जिस तरह से चले थे, आज वो चीजें खराब हुई हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसके नतीजे में क्या इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे, क्योंकि अभी भी लोग जो है ना इलेक्शन के बारे में बड़े डाउट्स और बड़े इबहाम पैदा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये देख लीजिए कि ये सर, ये सलमान अभी साहब आपने आपने 10 मिनट में ये तीसरी मरतबा कहा है कि इसके फैसले से इलेक्शन मुतासर हो सकते हैं, तो सर कैसे इसका लिंक क्या है सर इलेक्शन से? सर अगर आपने अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, सबको पकड़ना है और सबके खिलाफ कार्रवाइयां करनी है, ताजिर बरादरी के खिलाफ भी कार्रवाइयां करनी है, कारोबारी अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयां करनी है, एक ग्रैंड ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हैं एहतसाब के नाम पर, तो ये तो आपको पता ही है फिर हमारे यहाँ जब एहतसाब होता है तो उसका उसकी उखाड़ पिछाड़ जो है वो काफी मसाइल पैदा करती है। तो फिर ये शायद जैसे जनवरी में और फरवरी में इलेक्शन की बात की जा रही है वो किस हद तक मुमकिन हो सकेगी ये भी देखना होगा। फिर सबसे बड़ा बात यह है कि सारे अमल के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का। अब ये देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने एक डेट दे दी थी 21 अक्टूबर की पाकिस्तान आने की जी, क्या आज के फैसले के बाद वो पाकिस्तान आना पसंद करेंगे? मुकदमे तो दोबारा होने हो गए ना, साल बहाल हो गए, तो बहुत सी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी आएंगी। अभी इसके बारे में कहना मैं हतमी बात तो नहीं कह रहा, मेरा ख्याल तो यही है कि इलेक्शन होने चाहिए होंगे, लेकिन इसके बारे में डाउट जरूर पैदा होंगे, उसके डाउट जरूर पैदा होंगे। ख्वाजा साहब, क्या अगर मियां साहब मुल्क में आ सकते हैं तो आज का जो फैसला है नैब उनको गिरफ्तार कर सकती है सर? आपको लग रहा है कि नैब गिरफ्तार करेगी? अब बिल्कुल करेगी सर, अब तो उनकी हुकूमत नहीं है, और वैसे जब उनके भाई की भी हुकूमत थी तो उस वक्त भी लीगल प्रोसीजर यही था कि इज फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आके सरेंडर करके और इसहाक डार की तरह फिर प्री अरेस्ट की बेल दें, तो वो तरीका था कि पहले आके कोर्ट में ही जाना था। तो अब भी ये है कि अगर वो आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह आ जाएं और प्री अरेस्ट बेल अप्लाई कर लें, और अगरचे पहले से इस पर बेल पर थे तो फिर कंडोनेशन ऑफ एब्सेंस लगा के उस बेल की बहाली की दरख्वास्त करें कि उनकी पुरानी बेल को बहाल कर दिया जाए और उनके जो जमानती हैं उनको भी वो माफ़ी मांगें कि सर बियॉन्ड कंट्रोल था इनको वापस लाना, बड़े सख्त बीमार थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और इतनी बीमारी की हालत में उनका लाना बड़ी उनकी जान को रिस्क था, तो इसलिए फिर सब क्या मियां साहब पहले गिरफ्तार होंगे उसके बाद जमानत की दरख्वास्त दायर होगी या पहले जमानत की दरख्वास्त दायर होगी? जरूरी नहीं है कि गिरफ्तार हो, मतलब आके सरेंडर करेंगे कोर्ट पे, कोर्ट की मर्जी होती है कि वो कस्टडी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, सलमान आबिद साहब, अमानुल्लाह करनाणी साहब, अमां टिन मौजूद मेहमान की वही मेहरबानी। नाजरीन, अमां अज तफसीली तौर से जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो आयो है, रुकनी बैच फैसलो दिनो है, तो नैब की तरमीम में, नैब की तरमीम वाले कानून में सब तरमीम जन सब शिकू जन उ कलदम करार दिनी वही हैं, अज के फैसले जहाँ 6 अगूणन वजीर आजम अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी के केसिस डायरेक्टली अजो कोई फैसलो उनते असर अंदाज थो, उन केस खत्म थी वह हा, उ बीहर बहाल थन्दा, न रुगो उन केसिस बल्कि नैब जहाँ सब केसिस सब इंक्वायरीज बहाल थी वही हैं। ख्वाजा नवीद जो बकौल इन तमाम ट्रेनियर में एक प्ली बार्गेनिंग थी वे पिण हाँ बहाल थन्दू, तो अजो के इन फैसले जो सियासी मंजरनामे कड़ो असर थो यो भी हम बुध, बार ए बैच के विच में जस्टिस उमर अता बंदियाल के ट्रेनियर में जो विछोटी रन जो फर्क रहा जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में एक कड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल केस रहा उनसा गोगर फायज ईसा ला हाँ वा चैलेंजेस कड़ा उन फायज ईसा एड्रेस किए कफसली बुध, हाँ फायज ईसा ला यो चैलेंज है तो वो पंजा जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे केस उनके उकलाए गोड़ो गड बार ही बैच में एक फर्क थो है वो खत्म किए पे करें यो तक ही बुधाई तो प्रोग्राम के वक्त पे पुजाणी तो पे असद मुमताज रेट के दींदा इजाजत सदाई गड़।